एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको विंडोज 11 से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ, जिनको यूज करके आप अपने काम को और भी इजी बना सकते हो। गाइस, इन शॉर्टकट की मदद से हम जो हमारा जो प्रोफेशनल आए दिन हम यूज करते हैं काम में, एडिटिंग में, या कोई भी अगर हम वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, या बेसिक वर्क कर रहे हैं अपने पीसी पे, अगर आप की शॉर्टकट का यूज करते हो तो आपका जो काम है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, जानते हैं विंडोज 11 की कुछ जो शॉर्टकट कीज है। तो नंबर वन शॉर्टकट जो है गाइस, ओपन क्विक सेटिंग पैनल। अगर आपको क्विक पैनल को ओपन करना चाहते हो तो विंडो प्लस ए प्रेस करेंगे, तो विंडो प्लस ए प्रेस करके तो जो क्विक पैनल है, जैसे कि वाईफाई या आपने ऑन करना है ब्लूटूथ या फ्लाइट मोड, ये जो पैनल है ये आपका ओपन हो जाएगा अगर आप विंडो प्लस ए को प्रेस करते हो। विंडो प्लस ए से ये क्लोज हो जाएगा और विंडो प्लस ए से ये ओपन हो जाएगा। नंबर सेकंड जो सेटिंग है, विंडो प्लस सी, ओपन चैट विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो चैट ऐप है उसको ओपन करना चाहते हो तो विंडो प्लस सी प्रेस करके तो चैट ओपन हो जाएगी आपका, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है वो यहाँ पर चैट उसकी ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की। नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस डी। अगर आप डेस्कटॉप को हाइड या शो करना चाहते हो तो विंडो प्लस डी प्रेस करेंगे। यहाँ से जैसे मैं कुछ ओपन करता हूँ तो विंडो प्लस डी प्रेस किया तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये विंडो प्लस डी प्रेस किया तो ये ओपन हो गया। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। नंबर फोर जो शॉर्टकट की है गाइज, वो है विंडो प्लस ई। अगर आप फाइल एक्सप्लोर को ओपन करना चाहते हो, जैसे हम यहाँ फाइल एक्सप्लोर ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई, ई फॉर एक्सप्लोरर, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर को हम विंडो प्लस ई से ओपन कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे जाते हो, फिर सेटिंग में जाते हो, फिर आप सेटिंग में आते हो, तो इसका एक शॉर्टकट की है विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई से आप डायरेक्ट सेटिंग में आ सकते हो। तो सेटिंग के लिए विंडो प्लस आई एक शॉर्टकट की होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो प्लस एल, अगर आप अपने लॉक लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप विंडो प्लस एल प्रेस कर सकते हो, जो आपका लॉक है वो यहाँ पर लग जाएगा। मिनिमाइज ऑल योर विंडोज़, अगर आप सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना चाहते हो, जैसे हमारे ये मल्टीपल एप्स यहाँ पर ओपन है, अगर आप इनको मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है विंडो प्लस एम, तो यहाँ पर ये सारी विंडोज़ आपकी मिनिमाइज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, रीस्टोर योर मिनिमाइज विंडोज़। विंडो प्लस शिफ्ट एम प्लस एम प्रेस करो तो आप उनको रीस्टोर कर सकते हो जो आपने मिनिमाइज़ करी थी, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ विंडो प्लस आप एम प्रेस करते हो तो ये मिनिमाइज हो गई, अगर आप इसको दोबारा ओपन करना चाहते हो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करते हो तो ये आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस एन, शो नोटिफिकेशन कैलेंडर। जैसे हम यहाँ पर कैलेंडर को ओपन करते हैं, यहाँ क्लिक करते हो तो कैलेंडर ओपन हो जाता है क्लिक करने पर, तो इसका एक शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस एन। विंडो प्लस एन प्रेस करते तो शॉर्टकट यहाँ पर कैलेंडर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है ओपन रन कमांड। अगर आप रन कमांड को ओपन करना चाहते हो डायलॉग को, रन जो बॉक्स आता है रन करने के लिए जिसमें आप कमांड लिखते हो, तो वो विंडो प्लस आर प्रेस करते तो यहाँ पर जो रन डायलॉग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी कमांड लिखोगे तो यहाँ पर तो रन डायलॉग, विंडो प्लस आर प्रेस करोगे तो रन डायलॉग आपका ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और रन पे क्लिक करते जब ये ओपन होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट है विंडो प्लस आर, ठीक है। तो इससे आप इसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है गाइज, टेक स्क्रीनशॉट यूजिंग स्निपिंग टूल। अगर आप स्निपिंग टूल की मदद से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करके, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करके तो यहाँ पर जो स्निपिंग टूल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी शेप में आप लेना चाहते हो यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमारा आ गया है, देख सकते हो यहाँ पर ये इतने एरिया का यहाँ पर हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो आ गया है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर आप स्क्वायर में लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ ले सकते हो, फुल स्क्रीन का ये है, फुल स्क्रीन का लेना चाहते हो तो यहाँ पर फुल स्क्रीन का इस तरीके से आप ले सकते हो। एक और शॉर्टकट की होता है गाइस स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एफ एन प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, इससे भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है गाइस वो है विंडो प्लस एस, ओपन सर्च विंडो। अगर आप सर्च विंडो, जैसे यहाँ पर ये सर्च विंडो हम ओपन करते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस एस प्रेस करके तो ये सर्च विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है गाइस विंडो प्लस वी,
अगर आप क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को ओपन करना चाहें तो विंडो प्लस वी प्रेस करके तो आप यहाँ पर क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री जो भी है, जैसे अभी हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है तो यहाँ पर ये हमारा शो कर देगा। तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को आप विंडो प्लस वी को प्रेस करके ओपन कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट किया आता है वो है विंडो प्लस डब्ल्यू ओपन विजिट्स पैनल्स। अगर आप विजिट पैनल्स को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो, ये होता है विजिट पैनल्स। तो यहाँ पर आप इसको कैसे शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हो, विंडो प्लस डब्ल्यू प्रेस करके तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। विंडो प्लस डब्ल्यू से ओपन और क्लोज दोनों ही होगा ये, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर गाइज विंडो प्लस जेड अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर स्नैप लेआउट को आप ओपन कर सकते हो। विंडो प्लस जेड यहाँ पर आप देख सकते हो, विंडो प्लस जेड कोई भी विंडो आप ओपन करते हो तो यहाँ पर जो ये स्नैप लेआउट है वो आपका यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। दो विंडो में आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी ये 1, 2, 3, 4 विंडोज़ यहाँ पर ओपन है। तो आप इस तरीके से इसको विंडो प्लस जेड से यहाँ पर जैसे आप माउस कर्सर लाएगा तो ये 4 लेआउट में यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पर गाइज अगर आप इमोजीज अगर आप यूज़ करना चाहते हो पीसी में तो कैसे यूज़ कर सकते हो, विंडो प्लस सेमी कोलन या विंडो प्लस कोलन को यूज़ करके तो आपका जो इमोजीज है वो यहाँ पर लेआउट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इमोजी पैनल हमारा ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो विंडो प्लस सेमी कोलन से। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेमी कोलन इमोजीज वगैरह दिख जाएंगे, इनको भी आप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोचो कि पीसी में कैसे यूज़ किया जाता है तो इस तरीके से आप विंडो प्लस सेमी कोलन एक शॉर्टकट की होता है जिसकी मदद से आप इमोजीज को यूज़ कर सकते हो अपने पीसी पर। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है गाइस वो है विंडो प्लस स्पेस बार। अगर आप कीबोर्ड लेआउट को या लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हो विंडो प्लस स्पेस बार को प्रेस करके तो यहाँ पर कीबोर्ड में आपकी जो लैंग्वेजेस है, जो कीबोर्ड लेआउट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने गूगल इनपुट टूल्स को इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप स्विच करना चाहते हो हिंदी पे तो जस्ट आपने विंडो प्लस स्पेस बार को प्रेस करना है तो यहाँ पर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। विंडोज प्लस पी जैसे प्रेस करो तो यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एक छोटा सी होता है विंडो प्लस पी। ठीक है, यहाँ पर पी सी स्क्रीन ओनली डुप्लीकेट एक्सटेंड सेकेंड स्क्रीन ओनली, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट करा सकते हो अपनी स्क्रीन को। इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस पी प्रेस करके इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल प्लस ई एस सी एस्केप। मतलब ठीक है, मतलब कि हाँ गाइज ओपन स्टार्ट मेन्यू, अगर आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने कंट्रोल प्लस ई एस सी जो लास्ट में होता है, लास्ट लेफ्ट कॉर्नर में जो सबसे फर्स्ट बटन होता है कीबोर्ड का वो ई एस सी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है गाइस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस सी ओपन टास्क मैनेजर। अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और ई एस सी को प्रेस करके तो यहाँ पर आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हमने क्या करना होता है, अगर बिना शॉर्टकट के इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको टास्क मैनेजर क्लिक करना होगा तब ये ओपन होगा। ठीक है, इसके लिए एक डायरेक्ट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई एस सी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो इसको शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हमारा शॉर्टकट की हो जाता है गाइस, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है गाइस हमारा वो है कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू विंडो। अगर आप नई विंडो को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ क्रोम ओपन किया है तो मैं न्यू विंडो को ओपन करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँ तो यहाँ पर न्यू विंडो हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज़ करके। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करके तो यहाँ पर हमारी जो एक्टिव विंडो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। जैसे मेरी यहाँ पर एक्टिव विंडो ये है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में प्रेस करता हूँ यहाँ पर तो ये मेरी विंडो क्लोज हो गई है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से न्यू विंडो फिर आपकी ओपन हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी एक्टिव विंडो है यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है गाइस कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल। अगर आप माउस को स्क्रॉल करते हो यहाँ पर कंट्रोल प्लस और माउस स्क्रॉल करते हो यहाँ पर जो साइज है आपके फोल्डर का, फाइल का वो या आइकन का वो चेंज होने लगता है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो, अपना माउस को स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल यहाँ पर करोगे तो इस तरीके से आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक शॉर्टकट की होता है, वरना कंट्रोल प्लस हमको प्रेस प्लस जो है उसको प्रेस करना होता है तो आप डायरेक्टली इसको कंट्रोल प्लस माउस से भी कर सकते हो। इस तरीके से माउस को स्क्रॉल डाउन करेगा स्क्रॉल अप करेगा तो यहाँ से इनका साइज़ को जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है गाइस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अगर आप नया फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो
तो कैसे आप एक नया फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, यहाँ पर मुझको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर मुझको न्यू पर क्लिक करना है, फिर यहाँ फोल्डर पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर तब मेरा एक फोल्डर बनेगा। अब मुझको एक और फोल्डर बनाना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है गाइस नए फोल्डर बनाने के लिए। इतना लंबा इतना अंदर जाने के बजाय हम डायरेक्ट इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ और होते हैं गाइस टेक्स्ट रिलेटेड, तो ये जो कुछ शॉर्टकट की है गाइस कुछ शॉर्टकट कीज़ है जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप वर्ल्ड पर काम करते हो तो वहाँ पर काफ़ी ये काम आते हैं। जैसे अगर आपको पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके तो यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए से, ठीक है। तो गाइस किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डिलीट की को प्रेस करके तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिलीटेड टेक्स्ट को वापस लाना है कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके तो ये आपका जो डिलीटेड टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा जो आपने डिलीट किया या कट किया, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको कट करना है, जैसे हमको यहाँ पर ये कट करना है कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करके तो ये कट हो जाएगा। अगर आपको उसको पेस्ट करना है कहीं जो आपने कट किया तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके, पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देगा, ठीक है। F2 अगर यहाँ पर मैं फोल्डर का जैसे मैंने क्रिएट किया था, अगर आपको इस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं हम, फिर हम यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, जब हम इसको रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, जस्ट आपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है F2 की को प्रेस करके तो आप इसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके F2 की को प्रेस करके तो किसी भी फोल्डर को आप इजीली रीनेम कर सकते हो। F5 से गाइज यहाँ पर आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हो, F5 प्रेस करके तो आपका जो पेज है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। F5 अलग अलग ऐप में सर्च बार होते हैं तो आप उस स्पेसिफिक ऐप्स में सर्च बार ओपन कर सकते हो कंट्रोल प्लस ई से। जैसे मैं यहाँ पर ये यहाँ कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो जो सर्च बार है वो इनेबल हो चुका है। अगर मैं क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो विकिपीडिया का सर्च बार है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी ऐप पर आप किसी उसका सर्च बार ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ई से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर गाइज अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से आपने वन बाई वन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और एरो की जो है इससे आप इस तरीके से टेक्स्ट को जल्दी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वन बाई वन वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, यहाँ पर वन बाई वन वर्ड को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस और एरो की से यहाँ पर आप इसको इस तरीके से वन बाई वन लेटर को सिलेक्ट कर सकते हो। विंडो प्लस टैब प्रेस करके तो यहाँ पर विंडो प्लस टैब की से आप टास्क व्यू को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जितनी भी हमने विंडोज ओपन की है यहाँ पर हम इस तरीके से विंडो प्लस टैब से देख सकते हैं कौन कौन सी विंडो हमने यहाँ पर ओपन की है। यहाँ पर जैसे हमने की 6 विंडोज़ को ओपन किया है तो आप टास्क व्यू में इजीली इसको देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस टैब। शिफ्ट प्लस डिलीट से आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, वो रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगी शिफ्ट प्लस अगर आप डिलीट प्रेस करते हो, ठीक है। अगर आपको फुल स्क्रीन से एग्जिट करना है और या एंटर करना है तो F11 एक शॉर्टकट की होता है। F11 से आप फुल स्क्रीन में हो जाओगे और F11 से आप यहाँ पर फुल स्क्रीन से एग्जिट कर सकते हो। तो F11 से एंटर एग्जिट फुल स्क्रीन, ठीक है। ओल्ट प्लस एंटर प्रेस करके तो किसी भी सेलेक्टेड आइटम की आप प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हो, ओल्ट प्लस एंटर प्रेस करने पर, ठीक है, ओल्ट प्लस एंटर। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो जैसे मैंने यहाँ पर ये नोट पैड ओपन किया था, ओल्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर फोल्डर ओपन करता हूँ, ओल्ड प्लस एंटरप्रेस करता हूँ, तो सेलेक्ट करता हूँ ओल्ड प्लस एंटरप्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इस टास्क की यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, सिंपली आपने उसको सेलेक्ट करना है ओल्ड प्लस एंटरप्रेस करके तो उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए ओल्ड प्लस एंटर प्रेस करना होगा। जैसे अगर हम वर्ल्ड में काम करते हैं तो वहाँ पर हमको किसी लेटर को बोल्ड में करना है तो कंट्रोल प्लस बी से कर सकते हैं, इटैलिक में करना है कंट्रोल प्लस आई से, अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस यू से। अगर हमको पेज सर्च ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एफ से हम पेज सर्च ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ से। अगर आपने कोई टेक्स्ट ओपन किया है
यहाँ पर सर्च बार ओपन करना है तो आप ये कंट्रोल प्लस एफ प्रेस हो जाए तो यहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये वर्ड इंक्लूड है या नहीं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आफ्टर, तो प्रेस करता हूँ यहाँ पर एंटर, तो यहाँ पर आफ्टर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर गूगल, गूगल को जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ गूगल प्लस एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर गूगल ये हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आप सर्च पेज को ओपन कर सकते हो कंट्रोल प्लस एफ से। विंडो प्लस ऑल्ट प्लस अप डाउन लेफ्ट राइट एरो को अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर विंडोज को आप स्नैप कर सकते हो। यहाँ पर आपने विंडो प्लस ऑल्ट प्लस तरीके से विंडो ऑल्ट और एरो, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से आप स्क्रीन को मूव कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन को मूव करना चाहते हो तो इस तरीके से कंट्रोल। तो गाइस ये थे विंडोज 11 में कुछ यूजफुल शॉर्टकट कीज़ जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस ये थी कुछ विंडोज 11 में यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।